देखिए दोस्तों, आज मैं चना की घुघनी बनाने जा रही हूँ। इधर मेरा कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें पहले मैं थोड़ा सा तेल डाल के प्याज भून लेती हूँ। प्याज और टमाटर का ग्रेवी वाला मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो पहले ये देखिए, मैंने प्याज डाला, ये देखिए मैं प्याज को भून रही हूँ। 1 मिनट के लिए प्याज भूजा जाएगा, फिर इसमें मैं टमाटर और मिर्चाई डालूंगी। दोस्तों ये हरे चने की घुघनी है, या तो कोई छोला भी बोलते हैं, कोई घुघनी भी बोलते हैं, इसका जो मन आया जो बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसे घुघनी ही कहते हैं। प्याज थोड़ा मुलायम रहेगा, उसके बाद मैं इसको पीस लूंगी। इसका ग्रेवी बहुत अच्छा होता है, स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, अब देखने में भी बहुत अच्छा होता है। इसमें हो गया है, इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ, तो भी 1 मिनट के लिए भून लेती हूँ। देखिए दोस्तों, ये प्याज टमाटर और मिर्चाई भुजा गया है, मिर्चाई हरा है जो भुजा गया है। अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी पीस के, जब तक मैं इधर चना को मैंने निकाल लिया पूरा, फिर इसमें तेल और फोरन डालूंगा। मैंने तेल डाला, ये मेरा गया पचफोरन। पचफोरन सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद लाता है, इसलिए मैं हर सब्जी में पचफोरना ही यूज करती हूँ। थोड़ा ये हो जाए, ये मेरा पचफोरना जल गया है। इसमें मैं मिर्चाई और तेज पत्ता डाल रही हूँ। वो ये मेरा मसाला है, हल्की आदि लहसुन मिर्चाई, ये हम सिलवटे पर पीसे हैं, और ये हल्दी और धनिया का पेस्ट, ऐसी सूखा हुआ बुकनी है। इसमें चना डाल देती हूँ, थोड़ा सा भूंज लेंगे, फिर इसमें मसाला डालेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा चना भुंजा गया है, मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। कारण सारे मसाले डाल के इसको भून देती हूँ। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर इसमें जो ये मैंने पेस्ट जो प्याज और टमाटर और मिर्च का जो तैयार किया थी डाल दी, थोड़ा सा भूनने के बाद डाल देती हूँ। टमाटर तो हम पीस लीजिए मसाला में, तो ऊपर से तो टमाटर डालेंगे ही नहीं, तो फिर नमक इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भुजा गया है, अब इसमें पूरा पेस्ट डाल लेते हैं, प्याज और टमाटर अभी डालेंगे। मसाला और प्याज वाज सब भुजा गया, प्याज का ग्रेवी और मसाला भुजा गया है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। करंसी में ये डाल देती हूँ गरम मसाला, इसमें मैं, ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है, मैं ढक देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हो गया है, अब इसमें धनिया का पत्ता छीटा करती हूँ, और देखिए ये हो गया है, देखिए कितना सुंदर देखने में लग रहा है। दोस्तों देखिए, इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, और आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके तरफ ये घुघनी कहा जाता है या छोला कहा जाता है या सब्जी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।